हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आज है सैटरडे और जैसे कि मैंने पिछला व्लॉग एंड करते हुए, मैं इसी कपड़ों में एंड किया था, पिछला व्लॉग एंड करते हुए मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं जा रही हूँ पतंजलि स्टोर और थोड़ा घूमने, क्योंकि आज सैटरडे है, कल संडे है, तो संडे यहाँ पर लॉकडाउन लग जाता है। आप संडे को यहाँ पर कहीं घूमने नहीं जा सकते, मतलब बाहर नहीं जा सकते। हाँ, सब कुछ है। मोटी मोटी बोला इन्होंने मुझे, तुमको शर्म नहीं आई तो उन्होंने मुझे मोटी बोला? बिल्कुल शर्म ना लगे, बीवी को बॉडी सेम कर रहे हो। धूप निकल गई, पता है आपको मौसम बहुत अच्छा था, बॉडी सेम कर रहे थे मुझे। तो चलो तुम मत जाओ, हम जा रहे, इतनी तेज नहीं है। पर पता को दिन में नहीं थी धूप, मतलब दिन भर नहीं थी धूप। तो हम लोग कार में आ गए हैं, तो ये मास्क दिख गया है। तो मेरे पास कोई मुझे बहुत टाइम से पूछ रहा है, मैंने उन्हें कई बार रिप्लाई किया है क्या? ये मास्क कहाँ से लिया? तो राजा ने लिया था। ये मास्क कहाँ से लिया तुमने? ये मैंने मेडिकल की दुकान से लिया। मेडिकल की दुकान से ही लिया है मैंने। पता है आजकल बहुत अच्छे अच्छे मास्क मिलते हैं आपको, पता है बहुत ही अच्छे अच्छे मास्क मिलते हैं, लाइक ठेलों पे लगे हुए मास्क मिलते हैं। ठेले पे लगे हुए मास्क मतलब? वो ठेले पे लगा के रखते हैं, साइकिल वाइकिल पे भी लगा के रखते हैं मास्क, है ना? तो बहुत सारे मास्क, साइकिल पे मास्क बेचते हैं। अच्छा, हाँ बेचते हैं, मतलब साइकिल पे लगा के तो बेचते हैं। बर्गी डैम, एक्चुअली मैं अगर रास्ता बहुत अच्छा है अगर आप टोल देके आते हो तो, अदरवाइज फिर नॉर्मल वाला रास्ता मिलेगा। अच्छा आप दिखाएंगे, ये रहा बर्गी डैम। डैम डैम की नदी है, डैम निकल के हम लोग बातें करते रहे, वहाँ पे बहुत भीड़ भड़का था तो हम लोग निकल के भी कहा था यार, और डैम खुला भी नहीं था अपना, मजा नहीं आया। दो तीन दिन पहले नर्मदा जी ऊपर तक आ रही थी, सारी सारे मंदिर डूब गए थे, तो मेरे को लगा हो सकता डैम वैम खुले हों, लेकिन डैम खुले नहीं है। मजा नहीं आई। हाँ यार, पता हम लोग को लगा था डैम खुले होंगे पर डैम खुले नहीं, एक भी गेट नहीं खुला था। एक्चुअली मैं यहाँ बारिश नहीं हो रही है, सूखा पड़ गया, सूखा पड़ गया। सीरियसली यहाँ बारिश यार ऐसी नहीं हो रही है कि आपको लगे कि हाँ बारिश हो रही है, यहाँ बारिश बहुत कम हो रही है। और जब हम लोग को लगा कि डैम खुले होने चाहिए, वो डैम खुले हुए नहीं थे, तो फिर वो आई थिंक कुछ दिनों सोचा था बंद होने चाहिए थे, वो खुले हुए थे। सब बंद है, सभी बंद है, लाइक जितने गेट है डैम के वो सारे बंद है। तो ऐसे दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था कि मैं आपको कुछ दिखाती, बट हम लोगों के लिए पर्सनली एक लॉन्ग ड्राइव हो गई, पता है सीरियसली। ये हमारे फूल का मार्क है और यही फूल मार्क, हम येलो वाला फूल जो हम लोग के घर से निकलता है, मतलब जो हमारे घर से गिरता है ना, वो वाले फूल का मार्क है। तो हम गाड़ी में कुछ हो गया है, आई थिंक गाड़ी गर्म होगी। तो अभी सर्विसिंग कब कराई तुमने इसकी? दो दिन पहले इनकी सर्विसिंग हो गई है। लोग एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि सैटरडे है, अच्छा लग रहा है। वैसे यहाँ पे थोड़ी देर खड़ी है, ठंडी होने दो गाड़ी। तो मैं खा रही हूँ ये नट्स, ये है हल्दीराम के नट्स, मुझे बहुत पसंद है। तो मैं खा रही हूँ और इट्स रोमिंग अराउंड। व्हाई आर यू रोमिंग? इंतजार कर रहा हूँ ठंडी हो जाए। पीछे पता है ना कि मैं ठंडी हो चुकी हूं, चलो। नहीं, पीछे बहुत सारे लोग हैं एक्चुअली, पता है आपको दिख नहीं रहे हैं पर बहुत सारे लोग। हम लोग आ गए थे 2 घंटे पहले, मैं आके सो गई थी, मेरी आके देखी कैमरा मेरा बहुत दिमाग खराब करता है। तो मैंने अभी उठ के, क्योंकि राजा जो है उन्होंने मुझे उठाया, उन्होंने बोला यार भूख लग रही है, तो बाहर तो ऑब्वियसली हम नहीं खा रहे हैं। मैंने आके ब्लॉग भी एडिट किया था, आई थिंक ब्लॉग एडिट करते करते मैं सो गई, मैंने लिखा था मैं ब्लॉग डालूंगी, तो मैंने अभी अपडेट किया, मैं सुबह 11 बजे डालूंगी। एक्चुअली मैं डॉक्टर के पास काफ़ी सारा टाइम लग गया था, मैं बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर रही थी जो कि मैं आपको बताऊँगी। दवाइयाँ मिली हैं मुझे, वही मैं आपको बताऊँगी, राजा का प्रिस्क्रिप्शन भी है, मेरा भी है, वही मैं आपको बताती हूँ। हाँ,
तो अभी पहले मैं खाना बना लेती हूँ, थोड़ा चेंज वेंज करती हूँ, थोड़ा रिलैक्स हो जाती हूँ। मेरा सर दुखने लगा है, पता नहीं क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा मेरा सर दुखने लगा। तो मैंने ना इडली चढ़ा दी है, और ये है मेरी चटनी। ये चटनी जो है इसमें टमाटर, प्याज और हरी मिर्ची, आई थिंक फोकस नहीं करेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा है। ये टमाटर, प्याज और हरी मिर्ची, तो फिर से इसमें मॉइस्चर आ गया मेरे कैमरे में। तो जो मेरा आटा था ना इडली का, वो फॉर्मेट हो गया था। तो ये देख सकते हैं आप, जो इडली है ना वही बन गई, मैंने फोक डाल के देखा था। तो अब इसे ठंडा होने देते हैं, ये हो गई है तैयार। संडे और कल मैं बात ही नहीं कर पाई। एक्चुअली मैं आए हैं और मैंने इडली बनाई और मैं सो गई, ठीक है। इतनी तेज नींद आ रही थी, थकान सी हो रही थी, पता नहीं क्यों, तो सो गए हम लोग। तो मैं कल गई थी पतंजलि के क्लिनिक, पतंजलि स्टोर पे। तो आप में से किसी ने मुझे बताया था कि वहाँ पे डॉक्टर बैठते, वैसे डॉक्टर बैठते मुझे पता था, पर वो इस सब चीज़ों की दवाई भी देते, लाइक कंसीविंग में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो सारी प्रॉब्लम जो है वो कवर हो जाती है, क्योंकि ये दवाइयाँ जो है वो आयुर्वेदिक है। अभी इतनी सारी दवाइयाँ नहीं है, इसमें कुछ सामान भी है। तो पहले मैं सामान थोड़ा सा अलग कर देती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। तो ये है नमकीन बिस्किट पतंजलि के, गए थे ना जो हम लोग को सामान ले ही आया है। तो ये पतंजलि के नारियल बिस्किट, मुझे ना कोकोनट बिस्किट बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। तो इसी में कुछ दवाइयाँ हैं वो मुझे निकालनी पड़ेगी, इसलिए सब निकाल रही हूँ मैं। नवरत्न मिक्सचर, ये दो हैंड वॉश, जो दवाइयां है ना वो मैं अलग कर रही हूँ। ये है बेसन पतंजलि के लिए, ये है सूजी इलायची रस, और ये सब मेड इन इंडिया है। और ये है पतंजलि एक और नमकीन बिस्किट, फिर ये है दवाई। मैं आपको सब बताऊंगी कैसे क्या लेना, अगर कोई नहीं जा पा रहा है तो मैं आपको दवाइयां बता सकती हूँ कि जिस चीज से भी क्योर होता है, लेकिन आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो मेरे को जो जो बताया हमने वो सब बताऊंगी मैं आपको। वेट बस थोड़ा सा, मैं सामान निकाल लूँ। पतंजलि चना दाल, पतंजलि की सूजी, नाउ दिस इज अगेन चंद्रयान, ये दवाई। एक्चुअली मैं दवाई जो है वो अलग कर रही हूँ। हाँ, उसके बाद सब ये क्या है, हींग और छोले, शुगर, शुगर पतंजलि का एलोवेरा जेल बहुत अच्छा आता है, ठीक है। उसके बाद ये सुपर डिश, लाइक ये लोहे का, और उसका जूना होता है, लोहे का नहीं, लाइक जूना होता है ना वो। उसके बाद पतंजलि का डिश वॉशर, फिर ये बिस्किट हैं, फिर ये हैंड सैनिटाइजर है पतंजलि का, ये है 55 रुपीज़ का। इसे मैं टेबल पे रखूंगी कि राधे जैसे आ रहे हैं हम लोग कहीं से आ रहे हैं तो फटाफट थोड़े हाथ पाथ सैनिटाइज कर लें। उसके बाद ये है फेस स्क्रब मुल्तानी मिट्टी। आपको पता है ये जो स्क्रब है इसे हम फेस वॉश की तरह यूज करते हैं, क्योंकि ना इसमें मुल्तानी मिट्टी है और ना उसमें छोटे छोटे पार्टिकल रहते हैं, जैसे आप फेस वॉश करते हो आपका चेहरा निखर जाता है। कभी ट्राई करिएगा मुल्तानी मिट्टी का। तो ये दो लेके आए हैं, राजा भी यूज करते हैं ये मैं भी यूज करती हूँ। इसमें मेरे को लगा यार दो उठा लो, पतंजलि स्टोर पे ऐसे हम लोग बार बार जा नहीं पाते हैं। उसके बाद कुछ नमकीन है, फिर कुछ बिस्किट के पैकेट है, डिश वॉशर है। तो जो सामान मुझे लगाने वाला है वो मैं वापस रख रही हूँ कि मैं इसे किचन में जाके लगा दूंगी। तो चलिए अब बात करते हैं डॉक्टर जो आए बैठते हैं, तो वो आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं, और एक बात है कि वो फ्री कंसल्टेशन होता है, मतलब कोई चार्जेस नहीं होते। जैसे डॉक्टर के 500 चार्जेस होते हैं या कुछ के 300 से स्टार्ट होते हैं, बट आजकल मैक्सिमम सिर्फ आप कंसल्ट करने ही जाएंगे तो आपको 500 लगेंगे। उसके बाद जो दवाई वगैरह है मिनिमम प्राइस मैं आपको बता रही हूँ उतने लगते लगते। तो यहाँ पे फ्री कंसल्टेशन होते हैं, मतलब फ्री में आप उनसे बात कर सकते हैं, उनकी उनसे प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। तो जब हम लोग गए थे वहाँ पे, मैं और राजा गए, तो राजा को गैस की प्रॉब्लम भी है, तो उसके लिए मैंने दवाई लिखवाई है और उन्हें कुछ चीज़ें हैं जो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी।
तो मैं उनसे मुझसे पूछा, पहले सबसे पहले उनका एक ही सवाल था कि आप दोनों में से प्रॉब्लम किसको है। हम लोगों ने उनसे बोला कि जो टेस्ट है वो हम लोगों ने नहीं कराया है कि इनका हुआ हो या मेरा हुआ हो, बट जो कंसीविंग है वो मैं आपको बता रही थी जून में हुई थी, और पिछले साल अभी जो दिसंबर वाली थी वो वैसे ही ज़्यादा नहीं था, थोड़ा ही सा था। तो मैंने जून वाली कंसीविंग का बताया पिछले साल की, और मैंने बोला वो मिसकैरेज हो गया था। फिर उनने मुझसे जो साइकिल लेंथ है वो पूछा था, मैंने 28 डेज बताया कि 28 डेज में रेगुलर साइकिल आती है, ऊपर नहीं बढ़ता। तो फिर मैंने उनसे बोला कि पीसीओडी की प्रॉब्लम हो सकती है क्या मुझे, तो उनने पीसीओडी के लिए एकदम मना कर दिया। उनने बोला कि अगर आपकी रेगुलर साइकिल है तो बहुत कम चांसेस होते हैं पीसीओडी की, तो बहुत रेगुलर साइकिल है मेरी, सब चीज़ें उन्हें बताई। उसके बाद फिर उनने ना हम लोगों की जो ये वाली नस है इसको ऐसे करके चेक कर रहे थे। वो उनने मुझसे बोला कि एक दिन सुबह आइएगा, 10:30 बजे वो लोग बैठ जाते हैं, एक दिन सुबह आइएगा खाली पेट आइएगा। तो आपने कभी नाड़ी वैद्य का नाम सुना होगा जो नाड़ी चेक करके सारी प्रॉब्लम बता देते हैं? तो पता है वो सब चीज़ें बहुत काम आती हैं, मतलब वो सब चीज़ें सीरियसली। कई बार क्या होता है आप बहुत सारी दवाइयाँ कर लेते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं, मैं वो नाड़ी वैद्य नहीं थे, पर मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत अलग अलग तरह के आपको डॉक्टर्स, अलग अलग फील्ड के जो रहते हैं एक्सपर्ट वो मिलते हैं, तो कुछ लोग नाड़ी देख के बताते हैं। तो उन्हें बोला जो एग्जैक्ट प्रॉब्लम है वो ऐसे करके चेक करके बोला था हम बता देंगे, आप सुबह खाली पेट आइएगा। तो फिर मैंने उनसे बोला ठीक है, मैं एक दिन के अंदर जाऊंगी जब मैं खाली पेट होंगी, और आज संडे है तो ऑब्वियसली लॉकडाउन है, वरना सबसे बेस्ट टाइम था कि आज मैं चली जाती। अब राजा जब भी फ्री होंगे तो एक बार मैं जाके चेक कर रहे थे वो। तो उन्हें बोले वो खाली पेट आइएगा, तो थोड़ा एग्जैक्ट उन्हें समझ में आएगा। उसके बाद जो दवाइयां हैं ना उसमें से एक जो है, दो दवाइयां जो है वो वहां मिलेगी, क्या बोलते हैं, मेडिकल स्टोर में। तो यहाँ ये लेने जाना है हम लोगों को, तो ये आज जा नहीं पाए क्योंकि ऑलरेडी 9:30 हो गए थे, मतलब कल नहीं जा पाए थे क्योंकि ऑलरेडी 9:30 हो गए थे। अब राजा कल वल में जाते हैं तो ये दवाई लेके आएंगे। तो इसमें है न्यूट्री चार्ज वुमेन, न्यूट्री चार्ज मैन मैन, तो ये किसी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगी। सारे फ्रूट्स क्योंकि हम लोग डेली जो फ्रूट्स है वो कंज्यूम नहीं कर पाते, तो उसके जो सारी एसेंशियल चीज़ है आपकी बॉडी के लिए वो आपको इसमें मिल जाएगी। तो ये है न्यूट्री चार्ज वुमेन और न्यूट्री चार्ज मैन। तो ये जो दवाई है ये डेली एक एक लेनी है, टाइम अपने हिसाब से मांग लीजिए कि आपको सुबह लेनी है, दोपहर में लेनी है, शाम को लेनी है, जिसमें भी आप कंफर्टेबल है। तो ये कहते हैं कि इसमें हर चीज़ जो बॉडी के लिए एसेंशियल होती है, चाहे वो फ्रूट्स की पावर, क्योंकि हम लोग फ्रूट्स नहीं खाते हैं, जूसेस नहीं पीते हैं, तो वो सब चीज़ें जो है वो इंक्लूड हो जाएगी। तो ये दो दवाई जो है वो लानी है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो स्लिप है इसमें से आधी दवाई जो थी मुझे स्टोर में मिल गई, ये मेरा मेरी स्लिप है, आधी दवाई मुझे स्टोर पे मिल गई, आधी मुझे स्टोर पे नहीं मिली। तो मैंने एक और स्टोर पे से वो दवाई ली, क्योंकि उन्होंने मुझसे बोला अगर ये दवाई आपको पूरी नहीं मिलेंगी तो ये टेक नहीं करेंगी, क्योंकि दो चीज़ों का चूरन बना के आपको कंज्यूम करना है, फिर दो चीज़ों को आपको एक साथ कंज्यूम करना है, फिर एक को अलग। तो अगर मुझे एक मिल रहा था तो एक नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने बोला इफेक्ट नहीं होगी, इफेक्टिव नहीं होगी, इसलिए आप पहले एक ले लीजिए, यहाँ से जो जो मिल रहा है फिर आप दूसरे स्टोर में पता कर लीजिए। और बाई लक मैं दूसरे स्टोर पर गई और मुझे वहाँ पर सारी दवाई मिल गई, और बहुत ही, मतलब जो लड़कियों की दवाई है ना वो बहुत सस्ती है, लड़कों की जो दवाइयाँ हैं जो उनकी बॉडी में उनमें थोड़ा बहुत भी कुछ कमी आ रही है तो वो दवाइयाँ लड़कों की महंगी है। तो राजा की जो दवाई है वो नहीं मिल पाई है अभी, तो मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअली में क्या है, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 चीज़ें एक साथ मिक्स करनी है, मतलब ये ही खानी है। तो इसमें से ना दो चीज़ मिल गई थी, दो नहीं मिली, फिर एक जगह एक मिल गई, फिर दो वो नहीं मिली। फिर उन्होंने बोला कि स्टॉक अभी आ नहीं रहा है राधा की दवाइयों का, और ये वाली जो दवाइयाँ हैं तीन एक साथ लेनी है, मतलब इन सब की जो प्रोसीजर है तीन एक साथ मिला के, 6 एक साथ मिला के इस तरह से लेनी है। अगर 6 में से 4 मिलाओगे तो इफेक्ट नहीं करेगी, उन्हें बहुत ही उससे बोला कि आपको एक साथ मिला के लेनी पड़ेगी। तो ये हीरक भस्मा है, लड़कों की दवाई बता रही हूँ, हीरक भस्मा बसंत कुष्माकर रस, ठीक है। अभी जो हीरक भस्मा है ना ये 650 अराउंड थी की दवाई है, भस्मा कुष्माकर रस जो है, बसंत ये जो दवाई है ना ये 350 की दवाई है, और आपको पता है ये 2 ग्राम है, मतलब इतनी सी बॉटल देखी है मैंने इन दवाइयों की, तो पूरी मिली नहीं। तो मैंने उनसे बोला कि आप ये सारी दवाइयाँ मंगवा के रखो, फिर मैं एक साथ लेके जाऊंगी, ठीक है। फिर ये मकर ध्वज, क्योंकि क्या होता है अभी कितनी दिनों में आ रही है वो दवाई, फिर एक्सपायर उनके
तरफ जल्दी बढ़ती है दवाई से, मैंने बोला कि मैं एक साथ ही लेके जाऊंगी। फिर ये मकर ध्वज, कोंच बीज चूरण, यौवन चूरण, शतवार चूरण, सेकंड में है चंद्रप्रभा वाटी, ठीक है, और दो तीन दो दवाई और है यार, जब भी आएगी तुम दिखा दूंगी, ठीक है। तो मैं अपना कोर्स शुरू कर रही हूँ जो मेरी दवाई और कोर्स है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ उन्होंने मुझे क्या दिया है। तो सबसे पहले जो है उन्होंने मुझे दी है शिवलिंग बीज, ठीक है, और ये है पुत्र जीवक बीज, ठीक है। तो ये जो है ये लड़के भी यूज कर सकते हैं। अब पुत्र जीवक बीज जो है वो नाम है इसका, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इसे खाने से लड़का पैदा होता है, तो उस चीज से रिलेट मत करिएगा। पुत्र जीवक का मतलब ये है कि उसका नाम पुत्र जीवक बीज है, बट वो ये नहीं है कि आप खाओगे तो आपको लड़का होने वाला, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि लड़का लड़की जो है वो भगवान के हाथ में होते हैं। तो ये बीज है, इन्हें मुझे पीस के एक साथ मिला के मैं रख दूंगी, ठीक है। तो इसमें लिखा है ग्राइंड बोथ द पीसेस सीड्स इनटू द पाउडर, तो इन्हें पाउडर में पीसना है मुझे। फिर 1/4 स्पून मुझे एम्प्टी स्टमक लेना है विद काउ मिल्क, ठीक है। अगर आप गाय का दूध पीते हो तो आप उसे ले सकते हो, तो अमूल का लेते हो, आई थिंक गाय का ही दूध आता है, ठीक है। तो दोनों जो है पीस के 1/4 स्पून डेली खाली पेट लेना है मॉर्निंग और डिनर। ये अगर आपको फॉलो करना है और आप नहीं जा पा रहे हैं तो आप ये सब चीज़ें मंगवा के भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने उनसे पूछा कि इनकेस कोई और यूज़ करना चाहता है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स है, उनने बोला कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि आपकी बॉडी पे बहुत अच्छे से काम करता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इन दवाइयों के। तो ये लेना है पुत्र जीवक और शिवलिंग बीज को पीस कर मिक्स कर लीजिए, एक पाउडर डब्बा बना के रख लीजिए। फिर उसे सुबह शाम खाली पेट विथ दूध ब्रेकफास्ट और डिनर के उन्होंने बोला आधे घंटे पहले ले लीजिए ये। हाँ, तो अब सेकेंड चीज उन्होंने मुझे दी है वो है ये टैबलेट्स, ये है स्त्री रसायन वाटी, ये 40 टैबलेट्स की बॉटल है, ये 40 रुपीज की है। मैं आपको प्राइस ही बता देती हूँ, ये जो है शिवलिंग बीज ये 180 रुपीज के है, पुत्र जीवक बीज जो है ये 75 रुपीज के है, ठीक है। ये स्त्री रसायन वाटी जो है ये 50 रुपीज की है, और ये चंद्र प्रभा वाटी जो है ये है 37 रुपीज की। तो ये है टैबलेट, ये जो दवाई है ये एक सुबह लेनी है एक शाम को लेनी है, मतलब दोनों अलग अलग। टेक 2 टैबलेट्स इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग आफ्टर द फ्रेश आफ्टर द मील, ये खाने के बाद की दवाई है। तो मैं इसे लूंगी ब्रेकफास्ट के बाद, खाना खाने के बाद ये और ये, तो दोनों खाना खाने के बाद लेनी है और डिनर में भी खाना खाने के बाद लेनी है। तो ये 2 दवाई है। अब उसके बाद ये है एक लास्ट दवाई, फलग्रित नाम है इसका, फलग्रित नाम है ये, 309 रुपए का है। तो ये 1 टीस्पून लेना है काउ मिल्क के साथ मॉर्निंग और इवनिंग में, और इसमें लिखा है कि आप इसे वार्म वाटर के साथ भी ले सकते हैं। तो अगर आपके यूरिनरी ट्रैक में किसी भी तरह का डिसऑर्डर है तो वो ये सही करता है। तो लड़कियों की पूरी दवाई है वो ये है जो पतंजलि के डॉक्टर ने मुझे किया, और उन्हें पता है देखिए ये भी लिखा है प्राणायाम और आसन जो करने हैं तो बहुत अच्छे से उन्हें एक्सप्लेन किया है। तो ये सब चीजें जो है ये एक्सप्लेन करी है, तो मेरे को इनके चूरन वूरन बनाने हैं ना इनके दोनों से, तो इन्हें मैं पीसूंगी जाके, ठीक है, और ये देखते हैं। तो काफी लोगों को इससे फर्क पड़ा है। तो अभी जो दवाई मुझे मंगवानी है न्यूट्रीचार्ज वुमेन और मेन, ये एक एक खानी है, दिन में कभी भी खा सकते हैं आप, ठीक है। तो ये तो राजा की शुरू कर रही हूँ मैं, और जब तक राजा की दवाइयां आती है तब तक मैं अपनी तो शुरू कर ही लेती हूँ, कि इनके अगर मुझ में ही है। तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप एक काम करिए, आप सिर्फ 2 टेस्ट करा लीजिए। उन्होंने मुझसे 2 टेस्ट के लिए बोला, उन्होंने बोला कि जो सारी दवाइयां है ना वो सब कुछ रिकवर कर देंगी, पर आप सिर्फ 2 टेस्ट करा के आ जाइए, एक है अपनी एग क्वालिटी का टेस्ट और एक है स्पर्म क्वालिटी टेस्ट की, क्या रेट है, मोर्टैलिटी रेट और बहुत सारी चीज़ें होती है उस पर। तो उन्होंने बोला 2 टेस्ट आप करा लीजिए, और फिर उन्होंने मुझे 14 सितंबर को बुलाया है और एक दिन खाली पेट बुलाया है। तो ये 2 टेस्ट उन्होंने मुझे रिकमेंड किए, उन्होंने बोला ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत सारे टेस्ट करा रहे हो। जो बॉडी में कुछ भी प्रकार की कमी है आपको, अगर एग की वो हो रही है कि एग पूरा वो नहीं हो रहा तो वो सब कुछ इनसे कवर हो जाएगा, मतलब कि
सारी की सारी जो प्रॉब्लम है वो ये दवाइयाँ कवर कर देंगी, इतनी ही दवाइयाँ उन्होंने बोला कि ये जो सारी दवाइयाँ सब कवर कर देंगी और जो आसन है और सब चीज़ें वो आपको फॉलो करनी है। उसके बाद एक चूरन लेके आए, राजा को बहुत ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम है, तो ये है गैसाहार चूरन, ठीक है। इसकी MRP है 85 रुपीज और ये देना है 1 to 2 ग्राम ट्वाइस और थ्राइस डेली आफ्टर मील विथ वाटर, पानी के साथ ले लीजिए इसे, तो ये गैस के लिए। क्योंकि मेरे को लगा यार बहुत एलोपैथिक और बहुत सारी ऐसी ऐसी दवाइयाँ खा रही हूँ मैं प्रोजेस्ट्रॉन टैबलेट भी थी और वो ना उससे मुझे बहुत ज़्यादा स्किन इशू हो गए थे मेरे ना यहाँ पे पूरा, मैं आपको बता नहीं सकती, मेरे को बहुत ज़्यादा स्किन इशू और इवन मुझे इन्फेक्शन तक हो गया था और मुझे बीच में फीवर चढ़ गया था। तो फिर मेरे को लगा यार थोड़ा सा आयुर्वेद या होम्योपैथिक, मेरे को लगा पहले आयुर्वेदिक जो है एक बार जाके उनसे मिलते हैं, फिर उन्हें सब कुछ बताया। सबसे बड़ी बात अच्छी बात है कि आप आधे घंटे बैठ जाओ वहाँ पे, अगर कोई पेशेंट नहीं है तो आधे घंटे एक घंटे आराम से बैठ के आप जो भी चीज़ें वो पूछते रहे। मैंने कहा उनसे बहुत बात करी है और एक बार तो बहुत हम्बल थे वो लोग, मतलब बहुत हम्बल डॉक्टर थे, बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, बहुत अच्छे से समझा रहे थे। मेरे से वो बोला उन्होंने बोला कि हो सकते हैं कि आपकी जो यूट्रस है वो कमज़ोर हो, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उन्होंने बोला कि यूट्रस अगर कमज़ोर होगी तो भी दिक प्रॉब्लम होगी, तो उन्होंने सारी दवाइयाँ इंक्लूड करी। उन्होंने बोला एक वो चीज़ नहीं है कि आपका एग या आपकी साइकिल या आपको PCOD, उन्होंने बोला बहुत सारी प्रॉब्लम होती है अगर यूट्रस में फाइब्रॉइड्स है या कुछ, यूट्रस में भी हो जाते हैं तो यूट्रस में फाइब्रॉइड्स है या आपको और कुछ प्रॉब्लम है, या यूट्रस जो है वो कई बार ऐसा होता है कि बेबी का जो वो रहता है कि नहीं झेल पाएगी, या वीक है आपकी तो भी प्रॉब्लम होती है। तो फिर उन्होंने बोला इस दवाई लीजिए, बहुत इफेक्ट पड़ेगा आपको। तो मैं आ गई हूँ रसोई में और मैंने ये मूंगफली, हरी मिर्ची और ये कुछ लहसुन थी घर में, ज़्यादा लहसुन बची एक्चुअली, मेरी जो सब्जी वगैरह है ना वो राजा ही लेके आ रहे हैं तो मैंने बोलना भूल गई, पर वो सारी मिर्ची अदरक वगैरह सब ऐड करे आते हैं। ये मैंने आलू फ्राई कर दिए हैं, मैं बना रही हूँ मसाला डोसा। हाँ, तो एक सवाल आप मुझसे पूछेंगे, हो सकता है सवाल आए कि मैंने एलोपैथिक क्यों छोड़ी है। तो एलोपैथिक में मैं सिर्फ फॉलिक एसिड जो है वो कंटिन्यू रखूँगी, मुझे बहुत सारी मेडिसिन थी और मैं बहुत टाइम से नोटिस कर रही थी जब से मैंने स्टार्ट करी थी। एक तो मुझे बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग हो गई, ये वाला एरिया मेरा पूरे टाइम, पहले जब मेरी साइकिल के आसपास मुझे ब्लोटिंग होती थी, बट अभी कंटिन्यूसली मैं ब्लोटेड थी। इवन ये जो फेस स्वेलिंग और बहुत सारी चीज़ें आपने नोटिस करी होगी, मुझे पक्का पता लग रहा था कि यार उससे हो रही है, इवन वेट गेन भी हो रहा है मुझे उसके कारण। और पता है आपको एक चीज़ मैं नोटिस कर रही थी कि जो प्रोजेस्ट्रॉन की टैबलेट मैंने खाई है उसी कारण आपको थोड़े बहुत सिम्टम लगने लगते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो, वैसे वाले सिम्टम तो मुझे लग रहे थे, बट ऑफकोर्स वो सब चीज़ें थी नहीं, बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था वो चीज़ें साइड इफेक्ट कर रही हैं। और मैं ऐसा लग रहा था कि मैं पता नहीं बैठे बैठे ना मेरा वेट जो है वो पुट ऑन हो रहा है, इसलिए मुझे लगा कि स्लो पे जाते हैं, आयुर्वेदिक स्लो रहेगी बट साइड इफेक्ट नहीं होगा उसका। और जो ना पूरे टाइम ऐसा होता था कि मैं एक रोटी भी खा रही हूँ या कुछ भी खा रही हूँ तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि जैसे यहाँ पे खाना आ रहा है मेरा और गैस हो रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें कंटिन्यूटी में, और इवन यहाँ पे भी मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, मुझे काफ़ी हार्ट बर्न हो रही थी और खाना हजम डाइजेस्ट, मुझे खाना डाइजेस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसके साइड इफेक्ट मैं देख रही थी, इसलिए मेरे को लगा यार मैं शिफ्ट करती हूँ और जो दो टेस्ट है वो कराऊंगी। तो चलिए मैं जल्दी से डोसा बना लेती हूँ, तो यही एक कारण था जो मैंने चेंज किया। तो अब मैं बना रही हूँ डोसा। एक्चुअली मैं ना, मुझे ना डोसा डालने में कटोरी से तो नहीं डाल पाती हूँ, वैसे कटोरी वाला सिस्टम नहीं फॉलो होता, तो ये नया तवा है इस पर डाल के बनाते हैं।